बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दोस्त हैं वो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा जो फीडबैक होता है वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ना वीडियोस को शेयर कर दिया करें। इससे ये होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है और लाइक भी कर दिया करें। बाकी आज की जिस लोकेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ मज़र भाई हैं और इस लोकेशन की जो हालत है वो आप दोस्तों को दिखा देते हैं। टाइम जो है वो इस वक्त जनाबे वाला 12:30 बजे का है, ठीक। और जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि 12 बजे के बाद जो ये मखलूक़ात होती हैं इनकी ताकत में 2 से 3 गुना इजाफ़ा हो जाता है। इनका राज होता है रात के वक्त। अक्सर दोस्त कहते हैं कि दिन के वक्त आप वहाँ पर शूट किया करें, तो दिन की रोशनी में ये मखलूक़ात जो हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, दिखाई नहीं देती, रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। और वो चीज़ जो आपको रात के वक्त मिलेगी ना, वो दिन की रोशनी में जो है वो आपको कभी भी महसूस नहीं होगी, ना करवाएंगी ये मखलूक़ात। बाकी इस घर की हालत मज़र भाई एक बार दिखाएँ और फिर मैं साथ साथ आप दोस्तों को स्टोरी जो है वो भी मैं बताऊंगा। ये जब हम आए थे तो ये पानी चल रहा था। ये एक सरकारी टूटी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो पानी है ना वो चल रहा था और आते ही फिर हमने ये पानी बंद किया। और ये देखें, ये नीचे जो है ये आप देख सकते हैं जी। और इसके अलावा मैं यहाँ से भी जो है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि जो है वो आप दोस्तों के साथ जो है ना जी इस वीडियो की जो क्लिप्स हैं वो भी मैं ऐड कर सकूं अगर इसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है तो। बाकी यहाँ पर ये दिखाएं मज़र भाई थोड़ा आगे आकर, ये पुराने ज़माने के ये स्विच भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये कुछ जाले वगैरह लगे हुए हैं, वो भी दिखाएं। तब तक मैं जो है जी ये इसकी सेटिंग कर लूँ मोबाइल की। अच्छा जी, सेटिंग हो गई है जी। और ये मैंने अपने मोबाइल की भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है कि अगर कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड होती है तो। ये दिखाएं जी, ये देखें कैसे मिट्टी लग चुकी है, ये देखें बिल्कुल जम चुके हैं नीचे से। मतलब भी अगर आप दिखाएं ना दोस्तों को तो मिट्टी की आप दोस्तों को एक तय नज़र आएगी। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोकेशन जो है, ये जो घर है, ये कितने अरसे से बंद पड़ा था। ये खुल नहीं रहा, बंद है एकदम। कहानी कुछ उन्होंने ये बताई थी जी कि ये जो घर है ना ये काफ़ी अरसा से बंद था। जो इस घर के ऑनर है उन्होंने रेंट पर दिया और जिन्होंने इस मकान को रेंट पर लिया, एक तो इसका किराया बहुत कम था, दूसरी बात ये थी कि जब उन्होंने रेंट पर लिया ना तो उन्होंने मना किया था कि वहाँ पर आपको 3 कमरे मिलेंगे, 2 कमरे आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो तीसरा कमरा है जो आप लोकेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पर एक कमरा होगा जिसे कील दिया गया है। उनके कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कीला था उस कमरे को अपने इल्म की ताकत से। उस कमरे के अंदर आपने ना तो अपना कोई सामान रखना है और ना ही उस कमरे के अंदर दाखिल होना है। वो कमरा पहले आप दोस्तों को दिखा देते हैं। वो रहा जी, ये वाला वो कमरा था जो आप देख रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग को क्या बनाया, 1 मिनट से यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्डिंग दोबारा से मुझे ये मैंने स्टार्ट कर दी है जी। ये वाला, ये आप देख लें जी, ये थोड़ा सा जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये बेंड हो चुका है। ये आप देखें खिड़की जो है ये भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ ने इस चीज़ को जो है ना जिस ये जो जालियां लगी हैं तोड़ा है। उनका कहना ये है जी कि उन्होंने अपना आकर यहाँ पर सामान रखा, जो एक्स्ट्रा सामान था, कुछ लकड़ियाँ वगैरह थी वो यहाँ पर लाकर रखी। अच्छा वो जो लड़का था ना, उस लड़के को इस बात का नहीं पता था कि या इस कमरे को खोलना नहीं है। उसने जनाब इस दरवाज़े पर अपनी जो है ना जी वो टांग मारी है, इसको खोलने की कोशिश की है। जैसे ही इस कमरे को खोलने की कोशिश की है, उस लड़के के बकौल वो 7 दिन हॉस्पिटल में रहा है जी, हड्डियाँ पसलियाँ उसकी टूटी हैं, बुखार में भी रहा है। उसे कहा था कि यहाँ पर आके जो है ना वो अगर वो इंटरव्यू दे दे हमें हमारे लिए बेहतर होगा, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा जी मुझे यहीं से पूछ लें। वो भी चंद मिनट के लिए उसने बातें बताई हैं। उसकी डर की कैफियत ये थी, उतारा था जी कि कोई चीज़ निकली है जी और उसको उठा के वो पीछे दीवार में दे मारा है। वो मज़र भाई एक बार दिखा दें जी, वो पीछे जो दीवार है यहाँ पर। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना फासला है इस दरवाज़े से यहाँ तक। तो उस मखलूक ने उसको इतना बुरी तरह पटखा है। जब बाहर कुछ लोग खड़े थे, आबादी के अंदर घर है, वो आए हैं जी, उसको उठा कर लेकर गए हैं। तब से वो बता रहे हैं जी कि हम यहाँ पर नहीं आए, लेकिन वो कहते हैं जी कि इन सहन में यहाँ पर इस जगह सहन में वो मखलूक नज़र आती है, हत्ता कि दिन में भी आवाज़ें आती हैं। तो आज इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर रात गुजारेंगे और देखते हैं जी कि ये वाला वो कुछ सामान था जो यहाँ पर ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर मंगवाई थी। और ये उसका बाइक खड़ा है जी, वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये हमारा बाइक है, ये जी उसका बाइक है। अच्छा मतलब भी ये देखें यहाँ पर ये आग लगी हुई है। ये पहले ज़मीन की हालत पहले आप दिखाएं, आप दोस्तों को अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सफाई रखी गई है। ये ज़मीन इसका हाल दिखाएं, कूड़ा दिखाएं, आप दोस्तों को ख़ुद देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि इन जालों से आप दोस्त ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर आवाज़ आई है ना जी भाई। उधर भी ज़रा मदर भाई हालत दिखाइएगा। जाले आप दोस्त देख सकते हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे। अच्छा वो बता रहे हैं इन दोनों कमरों में ऐसे कोई मामलात नहीं है, सिर्फ यहाँ बाहर बरामदे में और उस कमरे में सहन में और स्पेशली यहाँ पर। और समटाइम वो कहते हैं जी कि उस जगह पर जो है उस मखलूक को देखा जाता है वहाँ ऊपर। ये बता रहे हैं जी कि उनके बुज़ुर्गों ने जो है इस कमरे को कीला था। ऑब्वियसली कमरा उसी वक्त कीला जाता है जब उस जगह कोई मखलूक़ात हो या कोई ऐसी मखलूक हो, जिन्नात यानी के हों, तभी। यहाँ पर ये आप जाले वगैरह देख सकते हैं, ये इस पे कपड़ा बंधा हुआ है। कोई है? मुझे लगा इधर से कोई चीज ऐसे निकली है। देखिए आपसे मिलने आए हैं, देखिए आपसे मिलने आए हैं। जैसे कोई दर्द की कैफियत में हो, दर्द में हो। और इस अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखें, आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, अक्सर आप दोस्तों ने नोट किया होगा मेरी अक्सर वीडियोस में, जब भी कभी कोई मखलूक नज़र आती है हमें या एहसास दिलाती है, जानवरों की आवाज़ें लाजमी आएंगी, क्योंकि जानवरों को ये चीज़ नज़र आ जाती है। पहले इतनी देर हम यहाँ पर रहे हैं, आपने किसी भी जानवर की आवाज़ सुनी नहीं। जैसे ही आवाज़ आई, ये एक वाज़े सबूत होता है, एक वाज़े साइन होता है, प्रॉपर साइन जिसे बोलते हैं। आवाज़ भी आई, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? अगर मैं इस दरवाज़े को खोल दूं तो क्या आप हमसे वादा कर सकते हैं कि आप यार ये अजीब सी आवाज़ आ रही है यार, भाई कोशिश करें, लेकिन ख़्याल से ये जो बनी हुई है ना, इसके अंदर से थोड़ा दिखाएं तो अगर, लेकिन बड़ा ख़्याल से थोड़ी सी लाइट करें इसके अंदर, देखने की क्या हुआ। हाँ? क्या किस चीज़ से पकड़ा गया? मट्टी वगैरह इस जगह पे आ रही। ख्याल से एकदम से जो है ना, यहाँ थोड़ी बहुत डस्ट भी उड़ना शुरू हुई है जब से ये जो मैंने कहा पता नहीं किसी मखलूक ने आपका गला जो है, बड़ा ख्याल से यार। अस्तग़फिरुल्लाह, मुसलसल आ रही है। अंदर से दिखाने की कोशिश की है, कुछ नज़र आया? ये देखिए आवाज़ आ रही है। पीछे हो, मतलब पीछे हो जाओ। मखलूक चाह नहीं रही कि हम उसके पास हैं। वो मखलूक जो है ना जी, अब समझ से बाहर है यार। आवाज़ जो है ना वो इसी कमरे के अंदर से आ रही है। ऊपर करना यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर खड़े कोई हमें देख रहा हो इस जगह। क्या देखा? एक अजीब आवाज़ें आ रही हैं। इस चीज़ अब तो प्रॉपर साफ अंदर से कंफर्म हो गया, अंदर कोई चीज़ है, कोई मखलूक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे नज़र नहीं आई। जब मैंने कैमरा अंदर किया था, आपने नोट किया? मेरी धड़कन की धड़कन तेज़ हो गई, मेरे हाथ कांप गए, मेरा गला ऐसे जैसे किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ हो। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि हम आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने नहीं आए, आपसे मिलने आए हैं, कुछ ही देर के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे बग़ैर नुकसान पहुँचाए। सामने आ सकते हैं तो ठीक है, क्या आप जिन्न हो या चुड़ैल हो? क्या आप जिन्न हो या चुड़ैल हो? ये कैसी आवाज़ है? ना ये इंसान की है ना किसी औरत की है। क्या कंफर्म है अंदर कोई चीज़ है मजर भाई, अंदर कोई चीज़ है भाई। आपने इधर भी ख्याल रखना यार, मुझे बार बार लग रहा है जैसे ऊपर से कोई हमें देख रहा है। इस जगह से ये जो बने हुए हैं ना, इस जगह से हमें कोई देख रहा है, मुझे बार बार महसूस हो रहा है। इस कमरे को आके खोलते हैं, मैं कहता हूँ एक बार ऊपर मैं यहाँ पे खड़े मैं एक बार ना ऐसे ही ऊपर दिखाना, लेकिन ख्याल से अपने पीछे भी ख्याल रखना। इधर थोड़ी रोशनी करना ज़रा। आप यहीं पर रुको, मैं आता हूँ एक मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ से है। हाँ? मुझे लगता है कि ऊपर कोई चीज़ है जो हमें ऊपर जाने से रोक रही है। ऊपर कोई ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई चीज़ है या क्या है। जैसे ही ऊपर जाने लगे हैं ना जी, ये ग्लास ये पता नहीं कहाँ से आया है। ये तो यहाँ पे पड़ा ही नहीं था। ये नहीं यहाँ पड़ा था, मुझे नहीं पता ना, मैंने देखा है इस ग्लास को कहाँ पर पड़ा था। भी नहीं देखा तो बाकी फिर एडिट पर जाके पता चलेगा। भाई ऊपर ख्याल से जाएगा, मुझे तो लग रहा है जैसे ऊपर कोई चीज़ है। मतलब मुझे दो बार मुसलसल महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ देखती है और पीछे हो जाती है। इसीलिए अपनी तसल्ली के लिए ऊपर जा रहा हूँ कि ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे ऊपर जाने लगा हूँ, अभी आधी सीढ़ियाँ भी जो है वो मैंने क्रॉस नहीं की होंगी, नीचे से आवाज़ आई है। सो इसका मतलब ऊपर कोई ना कोई कनेक्शन है उस चीज़ का। उस चीज़ को देखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बताऊँ कैसा क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जैसे ना वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी बैठी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। भाई ख्याल से शरी भाई, मैं कहता हूँ ऊपर ना जाए, हो सकता है वो चीज़ ऊपर हो। ऐसे करें आप यहीं पर रुकें, ठीक है? नहीं भाई, मैं आपके साथ ही आता हूँ, लेकिन बड़े फिर ख्याल से। एक बार सीढ़ियाँ जो है वो बड़ी तंग है, पाँव पूरा भी नहीं आ रहा है। ये देखो आधा पाँव आता है, आधा बाहर है ख्याल से, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती भी है ना तो बड़े ख्याल से यहाँ से जाना होगा, भागना होगा। ख्याल से भाई, ख्याल से। यहाँ पर तो भाई इस जगह यहाँ पर भी देखे कितना ये गंद पड़ा है। अल्लाह अकबर। मतलब भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर खड़ी होकर चीज़ ऐसे देख रही है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। ये आवाज़ कहाँ से आई? सुनिए रोशनी 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 करें नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई है, जैसे ऊपर गए तो मैं पूरा हिल गया हूँ, जिस तरह की जैसे नीचे धमाका होता है ना, ब्लास्ट हुआ है। इन्हीं या तो इस दरवाज़े की आवाज़ आई है या जो खिड़की लगी हुई है यहाँ से आवाज़ आई है। मैं बताने वाला था कि जो ऊपर छत है ना, ये बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है। मैं वहाँ पर गया हूँ, मेरा पाँव नीचे को गया है, जैसे ये छत अभी गिर जाएगी। ये इमारत जो है खोखली है, बोसीदा हालत में है, किसी भी वक्त गिर सकती है यार। आप दोस्तों को भी मैं बता दूँ जी कि वो नीचे गिरने वाली थी शायद, अगर मैं पाँव रखता तो मैं नीचे गया था। भी आयत वगैरह पढ़ रहे हैं, बहुत भाई कुछ पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक है, मुसलसल यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही। मज़र भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहा, अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो हो सकता है वो मखलूक मुझसे बात ना करे या वो रिकॉर्ड ना हो, इसीलिए मैं हिसाब नहीं भाग रहा। मतलब भाई आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो सूरतें आपको बताई हैं। एक बार ये चाले देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से जो है ये मट्टी देखें, ये मट्टी देखें। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ अंदर बैठी हुई है, लेकिन जब हम आगे कैमरा लेके जाते हैं नज़र कुछ नहीं आता अंदर। मज़र भाई घोप अंधेरा है, ठीक है। शायद जहाँ तक मुझे, जब आपने रोशनी की है, मुझे नज़र आया कि अंदर कुछ सामान ऐसा पड़ा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में काबिल इस्तेमाल नहीं है। यार ये किस किस्म की आवाज़ है, जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये तो एक मुकायदा किसी ने लंबी सांस ली हो जैसे। यार ऐसा क्यों हो रहा है? भाई जैसे कोई हंस रहा है। ऐसी ही आवाज थी जैसे कोई चीज हम दोनों पे हंस रही हो। ये देखो, देखिए मैं इस दरवाजे को खोल के अंदर आ रहा हूं, बगैर नुकसान पहुंचाए। सामने आ सकते हुए तो ठीक है। मुझे नहीं लगता वो ये दरवाजा खोलने देगी आपको। मुझे लगता है शायद आप नहीं चाहते कि मैं इस दरवाजे को खोलूं। से चलते अब तो मज़र भाई ये प्रॉपर अब हंसने की आवाज़ आई है। ये तो अब प्रॉपर रिकॉर्ड भी हुई होगी, ये आप दोस्तों ने भी सुनी होगी। मेरी जो इस वक्त कैफियत है ना जी, वो मैं आप दोस्तों के साथ बयान नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ मेरा बस चले, मैं अभी यहाँ से मज़र भाई से कहूँ चलो यार बस इनफ। सिर्फ आप दोस्तों की दुआएं, आप दोस्तों की चाहत में मैं इस जगह खड़ा हूँ इस वक्त, वरना कसम खुदा कि मैं यहाँ से चले जाता। इतने साइन मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर खड़े होने की। मतलब ये एक बार ना इसको अच्छा ये देखें, जरा एक बार दिखाएं कि ये तावीज़ बंधा हुआ है इस काले कपड़े के साथ। और मत यार जैसे ही उसके पास जाते हैं यार इतना पास से गुजरा है, क्या चीज थी ये भाई? क्या उस साइड पे आप क्या देखा? उस साइड एक बार उधर करना, उधर कैमरा करना। ये वीडियो बनी सर? आपके मतलब ये आपके पीछे वो चीज़ खड़ी थी, देखिए आपने? हाँ यार भाई मैं आपको बता रहा हूँ यार, यहाँ से चलते हैं।